नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल। एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष रोजगार की एक शानदार जानकारी के साथ। अगर आपको तलाश है कम पैसे में शुरू होने वाले रोजगार की, तो आज की वीडियो में आपकी तलाश बिल्कुल ही पूरी होने वाली है। आज एक ऐसे बिजनेस की दोस्त आपको जानकारी मिलेगी जिसको काफ़ी कम कीमत में, काफ़ी कम पैसे से आप शुरू किया जा सकता है और अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। और खासकर अभी गर्मी का मौसम है तो काफ़ी बढ़िया रहेगा ये बिजनेस आपके लिए। आपको बता दें कि इस तरह की जानकारी जुटाने के लिए मैं आ पहुंचा हूं दुर्गा मैन्युफैक्चरिंग में, जो गुजरात के राजकोट ज़िले में है, और ये लगभग 40 से भी अधिक लघु उद्योग की मशीनों का निर्माण करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप लघु उद्योग की शुरुआत करना चाहते हैं तो काफ़ी कम कीमत में आपको यहाँ से मशीनें प्राप्त हो जाएंगी और क्वालिटी वाली मशीनें प्राप्त हो जाएंगी। और विस्तृत जानकारी दोस्त आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है इस बिजनेस की, इस मशीन की। तो चलिए विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश करते हैं अनित भाई से, जो इस दुर्गा मैन्युफैक्चरिंग के ऑनर हैं। तमाम तरह की जानकारी आपको ये देंगे कि कैसे इस मशीन के माध्यम से आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, कितने पैसे से शुरू कर सकते हैं, ये मशीनें कहाँ कहाँ डिलीवर हो जाएगी, गारंटी और वारंटी क्या है इस मशीन के साथ। तो तमाम तरह की जानकारी दोस्त आपको मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग भी लाभ ले सके। अनित भाई, ये बताइए कि आपने बताया कि इसकी कैपेसिटी, इस मशीन की कैपेसिटी है 1 घंटे में 250 से 300 ग्लास निकालने। हाँ, 1 घंटे में 250 से 300 ग्लास निकल जाएगी, 95% जूस निकल आएगा। 95%, यानी कि आपके कहे अनुसार कि एक बार गन्ने इसमें डालेंगे तो उधर से सिर्फ वेस्टेज निकलेगा। सिर्फ वेस्टेज ही निकलेगा, उसको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, एक ही बार डालना पड़ता है, जूस पूरा निकल आएगा। यानी कि दोस्त, जो आप देखते होंगे अपने शहर में जो ठेले पर लेकर चलते हैं, तो गन्ने को एक बार नहीं, कम से कम 5 से 7 बार उनको डालने की जरूरत पड़ती है। तो वैसे बंधु भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो देख लीजिए, इस मशीन के माध्यम से मात्र एक बार में सारे के सारे जूस आप निकाल सकते हैं गन्ने का। बार बार आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपके समय की भी बचत होगी, आपके मेहनत की भी बचत होगी और रिजल्ट भी बेहतर आपको मिलेगा। तो इसकी क्या खासियत है, कैसे ये कर पाती है? ये इसमें 1.5 HP की मोटर लगती है और पूरा SS बॉडी में बनाया गया है। कुछ ना कुछ तो इसमें खासियत होगी ना, रोलर की, उसमें भी रोलर लगा हुआ रहता है, इसमें भी रोलर है, लेकिन उसमें 4-5 बार डालना होता है, इसमें एक बार में ही कैसे निकाल लेता है? पुराने शुगर कैन का जूस था, वो 3-4 बार आप डालोंगे तब समय का भी इसमें बचत होगा, एक बार में ही 95% जूस निकल आएगा। क्या खासियत, कैसे हो पाता है? इसमें जो पहले वाला था उसमें कास्टिंग का रोल रहता था, इसमें SS304 सॉलिड रोल रहेगा और डायमंड कट है, और इसमें SS304 का यूज़ होता है, फिर फ्रूट ग्रेड रहता है और पूरा जूस हाइजेनिक निकलता है। पूरा जूस हाइजेनिक निकलता है। तो ये कितने दिन तक ये चलेगा, या कुछ इसकी लास्टिंग वगैरह भी होती होगी ना? नहीं, एक बार ले लिया है तो पूरा सीजन में, आप सीजन चालू हुए तब यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1.5 HP का मोटर लगा हुआ है। 1.5 HP की मोटर से चलती है? इसमें इटालियन गेयर बॉक्स लगा हुआ है। वो पूरा 1 साल का हम गारंटी देते हैं मोटर का। हमारे यहाँ जो गन्ने होते हैं पतले होते हैं, आपके यहाँ देखिए काफ़ी मोटे मोटे गन्ने हैं। तो सबसे पहले उस मशीन, जो छिलाई वाली मशीन है, उस पर आते हैं। तो यहाँ तो ये मोटे मोटे गन्ने हैं, आराम से ये छिल लेती है। जो पतले गन्ने होंगे, जो बिहार और बिहार में खास करके पाए जाते हैं या वहाँ उगाए जाते हैं, तो उसकी छिलाई कैसे होगी? इससे पतले गन्ने के लिए भी हमने ऑप्शन दिया है। इसमें जो इसका मैकेनिज्म मैं दिखाता हूँ, आप इस पर थोड़ा जूम कीजिएगा। एक खुल गया, ओपन हो गया। ये जो रिंग रहता है ना, ये 3 रिंग है यहाँ से, तीन है ना, वो जो वाइसर रहता है इसमें इंटरचेंज कर दो तो छोटा छोटा रहता है ना स्टिक, और छोटा स्टिक के लिए यूज होता है। अच्छा, इसमें चेंज करना होगा? चेंज करने का, जगह बना कर दे दिए हैं आप। बड़ा भी स्टिक रहेगा और छोटा भी स्टिक रहेगा, जैसा उनको चाहिए उसी हिसाब से यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं, उसका जगह दिया हुआ है। हमारा मशीन तो ऑल इंडिया जाता है, तो हर जगह स्टिक बड़ा रहता है, पतला रहता है, इसी हिसाब से हमने कस्टमर के हिसाब से छोटा बड़ा स्टिक यूज कर सकते हैं। उस हिसाब से अपने इसका डिजाइन भी किया है कि जिस स्टेट के लोग हैं वहाँ पर जो अलग अलग साइज के या अलग अलग मोटाई के जो गन्ने उगाए जाते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर सबकी सिलाई हो सकती है। अनित भाई, ये बताइए कि जो ब्रश है, ये तो बहुत जल्दी खराब हो जाता होगा? ये ब्रश हमने ऑल जगह मिल जाएगा, अब हार्डवेयर की दुकान है, वो ब्रश मिल जाएगा पूरा लोखंड का। भाई जब ना मिले तब क्या करेंगे लोग? नहीं मिलेगा तो हमारा इन हाउस ही है, फैक्ट्री इधर है, आप जो कुरियर में हम सब ऑल इंडिया भेज देंगे, जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है स्पेयर पार्ट का, हम कुरियर बाय एयर अथवा बाय ट्रेन इसको भेज सकते हैं। यानी कि इस मशीन के साथ जो वारंटी भी तो आप देते होंगे? हाँ, 1 साल की हम गारंटी देते हैं। 1 साल की गारंटी या वारंटी? मोटर का गारंटी रहता है पीस टू पीस, वो जो हार्डवेयर आइटम रहता है ना उसका हम वारंटी देते हैं। अच्छा, मोटर की गारंटी और हार्डवेयर में जो भी
पार्ट्स वगैरह होंगे उसकी वारंटी देते हैं, अगर कुछ ख़राब होता है तो फिर आप उसको चेंज करेंगे? हाँ, चेंज कर देंगे हम। तो अगर एक साल के अंदर में कुछ भी इसमें परेशानी हो या तो उसके रोला में परेशानी हो या तो इसके ब्रश में परेशानी हो तो आप चेंज कर सकते हैं? तो हम चेंज कर देंगे, अथवा तो कूरियर का टूट गया तो हम नया भेज देंगे। जो नया भी भेज सकते हैं? हाँ, नया भी भेज देंगे। अरे वाह, क्या बात है। तो चलिए, ब्रश की बात जो भी है, सिलाई वाली है, जो भी मेरे मन में जो कन्फ्यूजन था आपने दूर किया। हो सकता है हम जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे होंगे उनकी भी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग मोटाई के भाई ये गन्ने उगाए जाते हैं। अब चलिए बात इस पर आ जाते हैं। ये तो बिजली से चल रही है, ठीक है, ठेला पर ये मशीन लगाए तो वहाँ तो फिर हर जगह तो बिजली पॉसिबल नहीं है, तो क्या ये डीजल इंजन से चलने में सक्षम है? हाँ, कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है, एक जो घर पर यूज़ करना है आजू बाजू के एरिया में, तो हम ये इलेक्ट्रिक वाला मशीन देते हैं। अगर वो बोले कि हमें ठेला लगाना है आजू बाजू के जाके, हमें करना है जूस देना है, सर्व करना है, तो हम उसको डीजल इंजन में भी बना सकते हैं। अच्छा, ये डीजल इंजन में भी बन जाएगा? डीजल इंजन में भी बन जाएगा, तो हर जगह वो जा सकेगा और पूरा सर्व कर सकेगा और जूस पा सकेगा। चलिए अनित भाई, अब इस गन्ने की पिराई कीजिए और हमारे दर्शकों को दिखाइए। तो यूज़ करना भी एकदम आसान है, एक बार इसे इनपुट दे दिया, देखो अपने आप पकड़ लेगा और एकदम फ्रेश हाइजेनिक जूस देख आप देख पाए रहे निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। दोस्तों, एक बार में ही पूरी तरह से जब यहाँ से निचोड़ा जा चुका है ये गन्ना, और आप देख लीजिए वेस्टेज जो पीछे है निकल रहा है वो आप देख लीजिए। अनित भाई ने बिल्कुल सही कहा है, 95% बिल्कुल पिराई हो जाती है, बिल्कुल देख लीजिए सूखा हुआ है, कोई इसमें नमी ना के बराबर नमी, थोड़ी बहुत तो होती ही है लेकिन ना के बराबर नमी है, पूरी तरह से ये निचोड़ा जा चुका है और जूस जो है यहाँ पर है। और एक और है दोस्त, कि जब भी आप गन्ने की पिराई करें तो गन्ने को जो है ना ये क्रॉस में काटें, इससे होता क्या कि इसकी पकड़ मजबूत होती है, जल्दी ये पकड़ लेता है, और जो रोला है जल्दी पकड़ में गन्ने को अपने पकड़ में ले लेता है और आसानी से फिर अपने आप अंदर चला जाता है। और ये देख लीजिए बिल्कुल ही आसानी से सारे जूस को ये निकाल दिया, और इधर देख लीजिए रिजल्ट आपके सामने है, नमी नहीं है, बिल्कुल नमी नहीं है, देख पा रहे होंगे बिल्कुल नमी नहीं है। इस मशीन की डिलीवरी कहाँ कहाँ आपकी हो जाती है? चूँकि इस वीडियो को देश के कोने कोने से लोग देख रहे हैं, हो सकता है कुछ विदेश से लोग भी इसको देख रहे हैं, तो कहाँ कहाँ डिलीवरी हो जाएगी इसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। गन्ने का डिलीवरी ऑल इंडिया करते हैं, बाई ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारा मशीन जाता है। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में भी जाता है? हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में भी जाता है। मशीन खरीदने की प्रक्रिया क्या है? मशीन खरीदने आप ऑनलाइन पे में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा नंबर आ जाएगा, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और हर स्टेट में हमारा डीलर भी है, तो डीलर से भी आप ले सकते हैं। अनित भाई, आप तो मैन्युफैक्चरर हैं, लगभग 30 से 40 तरह के मशीनों का निर्माण आप करते हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे, पूरी गोडाउन का मैं व्यू उनको दिखा रहा हूँ। तो एक मशीन पर तो आप काम करेंगे नहीं, इस मशीन के कितने मॉडल पर आप काम करते हैं, कितने तरह के मॉडल आपके यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? शुगर कैन जूस मशीन के 2 मॉडल है, 1 HP और 1.5 HP। अच्छा, एक HP मोटर से संचालित होगी, एक 1.5 HP मोटर से? अगर किसी को यूज़ करना है, कम करना है, 150-200 ग्लास करना है, तो 1 HP का मशीन यूज़ कर सकते हैं। और जो इंटरनेशनल मार्केट पे क्या अभी एयर पे ट्रांसपोर्टेशन रहता है, इसका क्या रिक्वायरमेंट रहता है, 30-35 किलो अलाउ रहता है, तो इस टाइप का भी हमने मॉडल बनाया है, 30-35 किलो भी आप इंटरनेशनल मार्केट में चल जाएगा, और ऐसा भी एक मॉडल बनाया है। इस मशीन का वजन कितना है? ये 95 kg है, 95 किलो। हाँ, 95 किलो पूरा वजन है। तो आपके यहाँ जो शुरुआती मॉडल है 1 HP वाली, उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत है 40,000 रुपये 1 HP की। 1.5 HP वाली की? 1.5 HP वाली की 50,000 रुपये। 50,000। जो भी सामने से युवा बंधु या जो किसान बंधु या जो बहुत सारे माता बहन भी इस वीडियो को देख रही हैं, अगर इस तरह के बिजनेस को शुरू करना चाहें तो दोनों मशीन लेना जरूरी है या फिर एक मशीन से भी शुरू कर सकता है लोग? नहीं, इसका कस्टमर को एक मशीन चाहे तो एक मशीन भी दे सकते हैं। कस्टमर अभी क्या, खेडूत भी धंधा बिजनेस कर सकते हैं, युवा मित्र भी धंधा कर सकते हैं, किसी को अभी बेरोजगार है, अभी इंडिया में बेरोजगार के लिए संख्या बढ़ रही है, इसलिए जो भी बेरोजगार है उस हिसाब से एक पहले छोटा मशीन भी लेके काम चालू कर सकते हैं, फिर आगे धीरे धीरे आगे बढ़ के नया बिजनेस जैसे ग्रोथ होता है उस हिसाब से 1-2 मशीन और दूसरा मशीन भी ले सकते हैं। यानी कि आपके कहने अनुसार शुरुआत अपने एक मशीन से आप कर सकते हैं, उसके बाद जब उनकी इनकम बढ़ जाएगी, उनको लगा कि नहीं इस बिजनेस में मुनाफा है, तो फिर 1-2 मशीन भी ले लेंगे, और साथ में ये जो गन्ना छीलने वाली जो मशीन है ये भी अपना ले लेंगे, तो उनकी समय की भी बचत होगी, मेहनत की भी बचत होगी। हाँ, वो आप सही बोल रहे हैं, यही ना? हाँ, बराबर। अब एक और सवाल है, लास्ट सवाल है, कि जो भी गन्ने डालेंगे
हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि गन्ने अटक जाए, तो क्या इसमें रिवर्स वगैरह का भी सुविधा दिया हुआ है या ये इसमें फैसिलिटी है कि आप इसको रिवर्स भी कर सकें? ऐसा क्वेश्चन पूछा आपने, क्या कस्टमर का रिमांड रहता है कि कई बार हमारा स्टिक फंस जाता है, तो हमें इस कस्टमर के हिसाब से रिवर्स फैसिलिटी भी ऐड कर दिया है अभी। तो गन्ना फंस गया तो रिवर्स मोटर रिवर्स भी घूमेगा, मोटर गन्ना का स्टिक है वो आसानी से वापस निकल जाएगा, रिवर्स से आप वापस निकाल करके दोबारा इसमें डाल सकते हैं। वो आपको मैं डेमो में भी दिखा दूंगा स्टिक कैसे अंदर जाती है और बाहर आती है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। और दोस्त अक्सर ऐसा होता है कि मान लीजिए कि गन्ना कोई भी इसमें पिराई करे गन्ने की तो कभी कभी अटक जाता है, वैसी स्थिति में आप यहाँ पर इस मशीन में रिवर्स गियर भी दिया हुआ है, रिवर्स करके आप इसको वापस पीछे ले सकते हैं, अपने हाथ में ले सकते हैं। स्पेशल एक फीचर दिया हुआ है कि आप रिवर्स करके गन्ने को वापस आप बाहर कर सकते हैं, जैसा कि देखिए अनित भाई कर रहे हैं, रिवर्स वाले फीचर्स भी दिए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बेहतरीन जानकारी मिली इस मशीन के बारे में, इस बिजनेस के बारे में हमारे दर्शकों को। तो दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी, आज की मशीन की जानकारी कैसी लगी, इस लघु उद्योग की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी इस मशीन के माध्यम से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, गन्ने की पिराई वाली बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के स्क्रीन पर सर का नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का कंप्लीट एड्रेस रहेगा, आप आइए विजिट कीजिए या तो फिर ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। पूरे इंडिया के आप विदेशों से अगर जो भाई बंधु देख रहे हैं वो भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो इस तरह के और भी अपडेट जारी रहेंगे दोस्तों, बने रहिएगा ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ, तब तक के लिए।